Hello, welcome to my channel Mathematics Makes Math Easy. Today we will study class 8 chapter 13 direct and inverse proportions exercise 13.2 all questions solved. आज हम लोग पढ़ेंगे exercise 13.2. First question क्या बोलता है देखिए, ये कहता है which of the following are in inverse proportion. यहाँ पर नीचे में कुछ हमको points दिया हुआ है और पूछता है कि ये क्या मेरा इनवर्स प्रोपोर्शन में है या नहीं. देखिए, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड टाइम टू कंप्लीट द जॉब, क्या ये मेरा इनवर्स प्रोपोर्शन में है. आइए देखिए, नंबर वन का ये है एक्सरसाइज 13.2. क्वेश्चन नंबर वन का वन, ये मेरा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि यहां पर कहता है कि मोर द नंबर ऑफ वर्कर्स, यानी कि जितना ज्यादा मेरा नंबर ऑफ वर्कर्स होगा ऑन ए जॉब, लेस द टाइम विल टेक टू कंप्लीट द जॉब. यानी कि नंबर ऑफ वर्कर्स मेरा हो रहा है मोर, तो टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब मेरा हो रहा है लेस. तो ये मेरा क्या है, उल्टा है. एक इंक्रीज कर रहा है यानी कि मोर है, तो दूसरा डिक्रीज कर रहा है यानी कि लेस है. ये मेरा हो जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शन. नंबर टू क्या बोलता है देखिए, नंबर टू कहता है टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए यूनिफॉर्म स्पीड. यानी कि टाइम टेकन और डिस्टेंस, ये मेरा बन जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि मोर द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी मोर विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड. यानी कि एक जर्नी के लिए हम लोग जितना ज्यादा टाइम लेंगे उतना ही ज्यादा हम लोग डिस्टेंस भी ट्रेवल करेंगे, है ना. अगर हम लोग 5 आवर्स ले रहे हैं तो 5 आवर्स में अगर हम लोग 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो 10 आवर्स में हम लोग क्या करेंगे, 10 आवर्स में हम लोग और भी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे. यानी कि अगर हम लोग 5 आवर्स में 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो 10 आवर्स में हम लोग 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं. इसलिए देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जब टाइम मेरा इंक्रीज कर रहा है यानी कि 5 से जब 50 हो गया है तो मेरा जो डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज कर रहा है, 50 से 100 हो गया है. ओके, इसलिए ये वाला हो गया है मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अब देखिए नंबर 3 क्या है. नंबर 3 कहता है एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड एंड क्रॉप हार्वेस्टेड. ये है नंबर 3, ये भी मेरा हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. यहाँ पर बोलता है कि एरिया ऑफ द कल्टीवेटेड लैंड और हमको बोल रहा है क्रॉप हार्वेस्टेड. यानी कि अगर हम लोग जितना ज्यादा एरिया में हम लोग क्रॉप को लगाएंगे उतना ही ज्यादा मेरा क्रॉप होगा. यानी कि मोर द एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड मोर विल बी द क्रॉप हार्वेस्टेड. यानी कि जितना ज्यादा जमीन का हम लोग यूज करेंगे उतना ही ज्यादा मेरा क्रॉप होगा. ओके, इसलिए देखिए दोनों ही मेरा मोर और मोर है, इसलिए ये मेरा बन जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अब देखिए नेक्स्ट क्या है. नंबर 4 कहता है द टाइम टेकन फॉर ए फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल. टाइम टेकन और स्पीड, ये कैसे होगा देखिए. ये है नंबर 4, ये मेरा बन जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल. कैसे, हमको बोल रहा था टाइम टेकन और स्पीड, तो ये मेरा हो गया है स्पीड और ये मेरा हो गया है टाइम टेकन. कहता है कि इफ द स्पीड ऑफ द व्हीकल इंक्रीजेस, अगर जो स्पीड है व्हीकल का अगर वो इंक्रीज करता है तब टाइम टेकन टू रीच द डेस्टिनेशन विल डिक्रीज. यानी कि जब मेरा स्पीड इंक्रीज करेगा तो हम लोग का जो टाइम टेकन है डिस्टेंस तक जाने के लिए वो डिक्रीज कर जाएगा. क्योंकि अगर हम लोग 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं तो हमको टाइम लग रहा है 1 आवर अपने डिस्टेंस में जाने के लिए. लेकिन अगर हम लोग अपने स्पीड को इंक्रीज कर लेंगे यानी कि 50 के जगह पे अगर हम लोग 70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर हम लोग कार को ट्रेवल करेंगे तो हमको 1 आवर से कम टाइम लगेगा, यानी कि पकड़ लीजिए 40 मिनट्स लगेगा. ओके, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग अपना स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं तो मेरा टाइम क्या है,
वो मेरा डिक्रीज करेगा, ठीक है, हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे, इसलिए स्पीड ऑफ द व्हीकल इंक्रीजेस, देन इसलिए यहाँ पर कहता है कि इफ द स्पीड ऑफ द व्हीकल इंक्रीजेस देन द टाइम टेकन टू रीच द डेस्टिनेशन विल डिक्रीज। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है पॉइंट फाइव, ये क्या बोलता है आइए चेक करते हैं। ये है पॉइंट फाइव, ये कहता है द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन, यहाँ पर पॉपुलेशन और एरिया ऑफ लैंड के बारे में बोल रहा है। देखिए ये मेरा बन जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ पर हमको बोल रहा है पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री और यहाँ पर हमको बोल रहा है एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। तो मोर द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, यानी कि अगर किसी कंट्री का पॉपुलेशन मोर हो रहा है यानी कि इंक्रीज कर रहा है तो लेसर विल बी द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन, यानी कि अगर पॉपुलेशन मेरा इंक्रीज कर रहा है तो एरिया जो हमको लगेगा पर पर्सन के लिए वो मेरा डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, तो इसलिए वो मेरा हो रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर टू क्या बोलता है, ये है क्वेश्चन नंबर टू, ये कहता है इन ए टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ रूपीज 1 लाख इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग्स द विनर्स, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड whether the prize money given to an individual winner is directly or inversely proportional to the number of winners. ये कैसे होगा आइए चेक करते हैं। ये है मेरे पास क्वेश्चन टू, यहाँ पर हमको दिया हुआ था नंबर ऑफ विनर्स और हमको दिया हुआ था प्राइज मनी जो कि है रुपीज में। तो पहला क्वांटिटी मेरा हो गया है नंबर ऑफ विनर्स और दूसरा क्वांटिटी मेरा हो गया है प्राइज मनी। तो यहाँ पर देखिए हम लोग नंबर ऑफ विनर्स को पकड़ लिए हैं X1, X2, X3, X4, X5, X6 और X7। प्राइज मनी को हम लोग पकड़ लिए हैं Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 और Y7। अब हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि नंबर ऑफ विनर्स जब 1 होगा तब मेरा जो प्राइज मनी है वो हो जाएगा 1 लाख, जब 2 होगा तो वो मेरा हो जाएगा 50,000, वैसे ही जब 4 होगा तो वो मेरा हो गया है 25,000, 5 के लिए हो गया है 20,000, 8 के लिए हो गया है 12,500, 10 के लिए हो गया है 10,000 और 20 के लिए हो गया है 5,000। तो इस तरीके से हम लोगों ने नंबर ऑफ विनर्स और प्राइज मनी को डिस्ट्रीब्यूट किया है। ओके, तो अब हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर कि ये वाला जो है वो मेरा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या फिर इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में। ओके, ये मेरा हो गया है X1 बाई X2 और ये मेरा हो गया है Y2 बाई Y1। हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि ये वाला दोनों क्वांटिटी मेरा इनवर्स प्रोपोर्शन में है कि नहीं। ओके, इसलिए हम लोग क्या किए हैं, एक लिए हैं X1 बाई X2 तो दूसरा लिए हैं Y2 बाई Y1। तो यहाँ पर देखिए X1 बाई X2 मेरा आता है 1/2 और Y2 बाई Y1 आता है मेरा 1/2। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला जो दोनों क्वांटिटी है वो क्या है, वो मेरा सेम है, यानी कि ये वाला मेरा बन गया है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिर देखिए X2 बाई X3, ये मेरा बन जाता है 2/4, कट करने से आ गया 1/2। Y3 बाई Y2, ये भी मेरा आ गया है 1/2, ये दोनों मेरा हो गया है सेम, इसलिए ये भी मेरा बन जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिर X3 बाई X4, ये मेरा आ गया 4/5। Y4 बाई Y3, कट करने से आ गया 4/5, ये दोनों क्वांटिटी सेम हो गया, ये भी मेरा बन गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिर है X4 बाई X5 यानी कि 5/8 और उसका उल्टा कर दिए Y5 बाई Y4, ये मेरा आ गया 5/8, दोनों सेम हो गया, ये भी मेरा बन जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। X5 बाई X6 यानी कि 8/10, कट करने से आ गया 4/5, इसका उल्टा यानी कि Y6 बाई Y5, कट करने से आ गया 4/5, ये भी मेरा बन गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल। X6 बाई X7 10/10 होता है, कट करने से आ गया 1/2, इसका जो उल्टा हो गया Y7 बाई Y6, ये मेरा हो जाता है 50/, ये मेरा हो जाता है 5000 बाई 10000, कट करने से आ गया 1/2, ये दोनों मेरा सेम हो गया तो ये भी मेरा बन जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, इसलिए हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि सो द प्राइज मनी गिवन टू द इंडिविजुअल विनर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ विनर्स।
जो प्राइज मनी है वो मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शन हो गया है नंबर ऑफ विनर्स के हिसाब से, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री। ये क्या बोलता है आइए चेक करते हैं। ये है क्वेश्चन थ्री, ये कहता है रहमान इज मेकिंग ए व्हील यूजिंग स्पोक्स। रहमान क्या कर रहा है? रहमान व्हील को बना रहा है स्पोक्स का यूज करके। ही वॉन्ट्स टू फिक्स इक्वल स्पोक्स इन सच अ वे दैट एंगल्स बिटवीन एनी पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स आर इक्वल। हेल्प हिम बाई कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल। रहमान जो है वो व्हील बना रहा है। व्हील बनाने के लिए वो स्पोक्स का यूज कर रहा है, तो इस टाइप से वो स्पोक्स को लगा रहा है व्हील में। तो वो बोल रहा है कि वो स्पोक्स को कैसे फिक्स करेगा कि जो एंगल है वो स्पोक्स के भीतर में वो सारा एंगल मेरा इक्वल होगा, ठीक है। इस तरीके से वो स्पोक्स को फिक्स करेगा। यहाँ पर हमको एक टेबल दिया हुआ है नंबर ऑफ स्पोक्स, और यहाँ पर हमको दिया हुआ है एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स। अगर मेरा फोर स्पोक्स लग रहा है तो एंगल मेरा बनना चाहिए 90 डिग्रीज। अगर मेरा सिक्स स्पोक्स लग रहा है तो एंगल मेरा बनना चाहिए 60 डिग्रीज। तो हमको पता है कि जो सर्कल होता है वो सर्कल का एंगल कितना होता है। एक सर्कल का एंगल मेरा होता है 360 डिग्रीज का। इसलिए जब हम लोग नंबर ऑफ स्पोक्स का यूज करेंगे तो एंगल निकालने के लिए हम लोग उसको उससे डिवाइड कर देंगे। यानी कि जब फोर स्पोक्स का यूज कर रहे हैं तो 90 डिग्रीज कैसे आया, 4 9 36, यानी कि ये मेरा हो गया 90 डिग्रीज। वैसे ही जब हम लोग सिक्स स्पोक्स का यूज कर रहे हैं तो ये मेरा हो जाएगा यहाँ पर 6, यानी कि 6 6 36, यानी कि ये मेरा हो जाएगा 60 डिग्रीज, जो कि यहाँ पर आ गया। जब 8 स्पोक्स का यूज करेंगे तो हम लोग नीचे में कर लेंगे 8, यानी कि इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये मेरा हो जाएगा 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, यानी कि ये आ गया 4, और फिर मेरा आ जाएगा 8 5 40, यानी कि ये मेरा बन जाएगा 45 डिग्रीज का, ठीक है। जब 8 स्पोक्स का यूज करेंगे तो ये मेरा बन जाएगा 45 डिग्रीज। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर 10 का और 12 स्पोक्स का भी डिग्रीज को निकाल लेंगे, ओके। आइए देखिए, ए सर्कल हैज 360 डिग्रीज। ये हमको पता है जो सर्कल होता है उसका कितना डिग्री होता है, 360 डिग्रीज होता है। इसलिए जो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था नंबर ऑफ स्पोक्स और नीचे में हमको दिया हुआ था एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स, उसको हम लोग पकड़ लिए हैं वाई, और नंबर ऑफ स्पोक्स को पकड़ लिए हैं एक्स। तो हमको दिया हुआ था क्वेश्चन में नंबर ऑफ स्पोक्स जब 4 है तो मेरा एंगल हो गया है 90, नंबर ऑफ स्पोक्स जब 6 है तो मेरा एंगल हो गया है 60, नंबर ऑफ स्पोक्स जब 8 है मेरा एंगल हो गया है 45, नंबर ऑफ स्पोक्स जब 10 है मेरा एंगल हो गया है 36, जब नंबर ऑफ स्पोक्स मेरा 12 है तो मेरा एंगल हो गया है 30 डिग्रीज। तो हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ स्पोक्स को पकड़ लिए हैं x1, x2, x3, x4, x5, और एंगल बिटवीन पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स को हम लोग पकड़ लिए हैं y1, y2, y3, y4, y5, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इस तरीके से जो भी हमको दिया हुआ था नंबर ऑफ स्पोक्स उसका हम लोग डिग्रीज को निकाल लिए। अब हम लोग चेक करेंगे कि ये मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शन में है या फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। देखिए, सबसे पहले हम लोग चेक कर रहे हैं x1 by x2, क्या ये मेरा y2 by y1 का इक्वल होगा। देखिए, x1 by x2 यहाँ पर हो गया है 4 by 6, यानी कि कट करने से आ गया है 2 by 3। y2 by y1 यानी कि 60 by 90, इसको हम लोग कट किए हैं तो ये मेरा आ गया है 2 by 3, यानी कि ये भी मेरा हो गया 2 by 3, ये भी मेरा हो गया 2 by 3, यानी कि ये मेरा बन जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शन। फिर यहाँ पर है x2 by x3 is equal to 6 by 8, यानी कि ये वाला हो गया है x2 और ये वाला हो गया x3, ये मेरा बन गया 6 by 8। सिमिलरली y3 by y2 हमको मिल गया 45 by 60, यहाँ भी आ गया 3 by 4, और y3 by y2 भी आ गया 3 by 4, ये मेरा हो गया है इनवर्सली प्रोपोर्शनल में, ठीक है। फिर x3 by x4 8 by 10 कट करने से आ गया 4 by 5, y4 by y3 मेरा आ गया 36 by 45 कट करने से 4 by 5, दोनों मेरा सेम हो गया।
इसलिए ये भी मेरा बन जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। x4 by x5 यानी कि 10 by 12 कट किए तो 5 by 6, y5 by y4 30 by 36 कट किए तो 5 by 6, दोनों सेम हो गया, ये भी मेरा बन गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि therefore yes the number of spokes and the angles formed between the pair of consecutive spokes are inversely proportional। ये दोनों जो क्वांटिटी है यानी कि नंबर ऑफ स्पोक्स और एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स, ये दोनों ही मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है नंबर टू। नंबर टू कहता है कैलकुलेट द एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विद 15 स्पोक्स। जब मेरे पास 15 स्पोक्स दिया रहेगा तो एंगल बिटवीन पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स कितना बनेगा हमसे पूछ रहा है। देखिए हमको यहाँ पर बोल रहा है कि टोटल एंगल ऑफ ए सर्कुलर व्हील इज 360 डिग्रीज, हमको पता है। हमको यहाँ पर बोल रहा था एंगल विद इन द कंसेक्यूटिव 15 स्पोक्स, तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा 360 बाई 15 यानी कि ये मेरा बन जाएगा 24 डिग्रीज। ठीक है, यानी कि जब 15 स्पोक्स रहेगा एक व्हील में तब वहां पर मेरा जो एंगल बनेगा वो मेरा एंगल हो जाएगा 24 डिग्रीज का। ठीक है, नंबर थ्री देखिए क्या बोलता है। ये है नंबर थ्री, ये कहता है हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इज 40 डिग्रीज। हमको बोल रहा है कि जब मेरा व्हील के भीतर में जो एंगल है वो 40 डिग्रीज का बन रहा है तो हमको कितना स्पोक्स का जरूरत पड़ेगा। देखिए ये है नंबर थ्री, एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स हमको दिया हुआ है 40 डिग्रीज। हमको पता है कि टोटल जो एंगल होता है सर्कुलर व्हील का वो होता है 360 डिग्रीज, तो देयरफॉर नंबर ऑफ रिक्वायर्ड स्पोक्स मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 360 डिग्री बाई 40 डिग्रीज यानी कि कट करने से आ गया है 9 स्पोक्स। ठीक है, तो 40 डिग्रीज एंगल के लिए हमको व्हील के भीतर में 9 स्पोक्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग जब 9 स्पोक्स को लगाएंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर 40 डिग्री वाला ईच एंगल। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या बोलता है आइए चेक करते हैं। ये है क्वेश्चन 4, ये कहता है इफ ए बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच, हाउ मेनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाई 4। यानी कि यहाँ पे बोलता है कि एक बॉक्स है स्वीट्स का जिसको 24 चिल्ड्रन में हम लोग डिवाइड करेंगे तो 5 स्वीट्स करके ईच को मिलेगा, लेकिन हाउ मेनी वुड ईच गेट, लेकिन कितना स्वीट्स मिलेगा ईच स्टूडेंट को जब हम लोग 24 चिल्ड्रन में से 4 चिल्ड्रन को हटा देंगे, रिड्यूस बाई 4 कर देंगे। कैसे होगा देखिए, यहाँ पे हमको दिया हुआ था नंबर ऑफ चिल्ड्रन और यहाँ पे हमको दिया हुआ था स्वीट्स पर चिल्ड्रन। हमको बोल रहा था जब मेरे पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन 24 होगा तब मेरे पास स्वीट्स पर चिल्ड्रन होगा 5, जब मेरे पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन माइनस 4 हो जाएगा यानी कि जब नंबर ऑफ चिल्ड्रन मेरा 20 हो जाएगा तो हमको स्वीट्स पर चिल्ड्रन कितना लगेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग इनवर्स प्रोपोर्शन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे क्योंकि जब मेरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिक्रीज कर जाएगा तो स्वीट्स पर चिल्ड्रन मेरा इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 24 बाई 20 इज इक्वल टू एस बाई 5। ठीक है, देखिए यहाँ पर 24 बाई 20 हुआ तो इसका उल्टा हो गया एस बाई 5, तो इस तरीके से यहाँ से हम एस को निकाल लिए जो कि हो गया है मेरा 6। तो देखिए ये पहले मेरा 5 था और बाद में ये हो गया 6, ये क्या हो गया, ये इंक्रीज हो गया। जब मेरा नंबर ऑफ चिल्ड्रन डिक्रीज हुआ था तो स्वीट्स पर चिल्ड्रन इंक्रीज हो गया यानी कि ये मेरा हो गया इनवर्स प्रोपोर्शन के प्रॉपर्टी में। ओके, देयरफॉर इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4 यानी कि जब 20 हो जाएगा देन ईच स्टूडेंट विल गेट 6 स्वीट्स। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या कहता है आइए चेक करते हैं। ये है क्वेश्चन 5, ये कहता है ए फार्मर हैज एनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 डेज, हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर आर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल।
एक फार्मर है जिसके पास 20 एनिमल्स है, ठीक है, और उस 20 एनिमल्स को फीड करने के लिए उसके पास 6 डेज है, लेकिन बोलता है कि अगर ये जो नंबर ऑफ एनिमल्स है वो 10 मोर हो जाए, यानी कि 20 की जगह पे ये 30 हो जाए, यानी कि 10 मोर हो जाए, तो उसके पास जो फूड है जो कि 6 डेज चल रहा था वो अब कितने दिन में खत्म हो जाएगा। आइए देखिए, यहाँ पे हमको दिया हुआ था एनिमल्स टू फीड और यहाँ पे हमको दिया हुआ था कि जो फूड है वो कितना दिन चलेगा। एनिमल्स टू फीड यानी कि उसके पास था 20 एनिमल्स टू फीड और वो 6 डेज तक उसको फीड कर पा रहा था, लेकिन जब एनिमल्स टू फीड यानी कि जब नंबर ऑफ एनिमल्स मेरा इंक्रीज कर गया 10 से, तो मेरे पास अब बन गया है 30 एनिमल्स, तो 30 एनिमल्स को जब फीड करेगा तो उसके पास जो फूड है वो कितने दिन में खत्म हो जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे उसको ले लिए हम लोग डी। सो विथ इनवर्स प्रोपोर्शन प्रॉपर्टी हम लोग देख सकते हैं कि 20/30 इज इक्वल टू d/6, ये वाला हम लोग को मिल गया विथ इनवर्स प्रोपोर्शन प्रॉपर्टी, तो हम बोल सकते हैं कि d इज इक्वल टू हो गया है 4 डेज। तो देखिए यहाँ पर जब मेरा इंक्रीज कर रहा है यानी कि जब 20 से 30 हो गया तो ये मेरा डिक्रीज कर गया, यानी कि ये मेरा 6 से 4 हो गया, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि सो फूड विल लास्ट फॉर 4 डेज इफ देयर वेयर 10 मोर एनिमल्स इन द फार्मर्स कैटल, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। आइए देखिए ये क्या बोलता है। ये है क्वेश्चन 6, ये कहता है ए कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट्स दैट 3 persons could rewire जसमिंदर्स हाउस इन 4 डेज, इफ ही uses 4 persons instead of 3, हाउ लॉन्ग शुड दे टेक टू कम्प्लीट द जॉब। यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो बोल रहा है कि जसमिंदर के हाउस में वो लोग वायरिंग का काम कर रहा है, तो 3 persons को लगेगा वो वायरिंग का काम करने के लिए 4 डेज। वो कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है कि अगर वो 3 persons के जगह पे 4 persons का यूज करेगा तो वो जो वायरिंग का काम है जसमिंदर के हाउस में वो कितने टाइम में खत्म होगा। आइए देखिए नंबर ऑफ persons और नंबर ऑफ डेज टू डू द वायरिंग, ठीक है। तो जब नंबर ऑफ persons 3 है तो वायरिंग वाला जो काम है वो 4 डेज में खत्म कर रहा है। कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है कि जब नंबर ऑफ persons हम 4 कर देंगे तो वायरिंग वाला जो काम है वो कितने डेज में खत्म होगा। तो यहाँ पर हो गया है सो विथ इनवर्स प्रोपोर्शन प्रॉपर्टी 3/4 इज इक्वल टू d/4, ठीक है, यानी कि ये मेरा बन जाएगा d का वैल्यू 3 डेज। तो देखिए जब मेरा नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज किया है यानी कि जब 3 से 4 हो गया है तो ये मेरा नंबर ऑफ डेज क्या हो गया है, नंबर ऑफ डेज मेरा डिक्रीज कर गया है यानी कि 4 से 3 हो गया है, इसलिए ये मेरा हो जाता है इनवर्स प्रोपोर्शन के प्रॉपर्टी में। देयरफोर 4 persons will take 3 days to rewire Jasminder's house. Okay. अब देखिए नेक्स्ट क्या है। ये है क्वेश्चन 7। ये कहता है ए बैच ऑफ बॉटल्स वेयर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस विथ 12 बॉटल्स इन ईच बॉक्स, यानी कि ये जो बॉक्स है एक बॉक्स में 12 बॉटल्स फिक्स हो रहा है, ठीक है। तो हमको बोलता है कि इस टाइप का बॉक्स जहां पर 12 बॉटल्स फिक्स हो रहा है इस टाइप का 25 बॉक्सेस है, ओके, यानी कि इस तरह का 25 बॉक्सेस में 12 बॉटल्स करके फिक्स हो रहा है। फिर बोलता है कि इफ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 20 बॉटल्स इन ईच बॉक्स, यानी कि एक नया बॉक्स है उस नया बॉक्स में यहाँ पर जो 12 बॉटल्स पैक हो रहा था वो नया बॉक्स में 20 बॉटल्स पैक हो रहा है, ठीक है। नया जो बॉक्स है उसमें 12 के जगह पे 20 बॉटल्स पैक हो रहा है, तो हमसे बोल रहा है कि कितना बॉक्स का हमको जरूरत पड़ेगा जहां पर 20 बॉटल्स करके हम लोग ईच बॉक्स में फिक्स कर रहे हैं, तो उस टाइप का हमको कितना बॉक्स लगेगा ये सारा बॉटल्स को इसमें फिक्स करने के लिए, ठीक है। आइए देखिए ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर हमको बोल रहा है नंबर ऑफ बॉक्सेस
और यहाँ पर हमको बोल रहा है नंबर ऑफ बॉटल्स। तो जब हम मेरे पास यहाँ पर 25 बॉक्सेस था, तो जब यहाँ पर मेरे पास 25 बॉक्सेस था तो ईच बॉक्स में हम लोग 12 बॉटल्स करके फिक्स कर रहे थे। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि जब 12 के जगह पे 20 बॉटल्स हो जाएगा तो हमको कितने बॉक्स का यूज होगा। सो विद द इनवर्स प्रोपोर्शन प्रॉपर्टी हम लोग बोल सकते हैं कि 25 पाई x जो होगा वो मेरा हो जाएगा इज इक्वल टू 20 बाई 12। यहाँ से x मेरा निकल जाएगा 15, यानी कि हमको 15 बॉक्सेस का जरूरत पड़ेगा जहां पर हम लोग ईच बॉक्स में 20 बॉटल्स को फिक्स कर पाएंगे। सो 15 बॉक्सेस विल बी फिल्ड इफ 20 बॉटल्स आर पैक्ड इन ईच बॉक्स। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8। देखिए क्या बोलता है, ये है क्वेश्चन 8। ये बोलता है ए फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस ए गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डेज। यानी कि कुछ आर्टिकल्स है, उस आर्टिकल्स को अगर हमको प्रोड्यूस करना है तो 42 मशीन्स का यूज कर रहे हैं हम लोग, तो टाइम ले रहा है 63 डेज। हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज। हमसे पूछ रहा है कि अगर हम लोग ये वाला आर्टिकल को 63 डेज के जगह पे अगर 54 डेज में हम लोग कंप्लीट करना चाहें तो हमको कितना और मशीन्स का जरूरत पड़ेगा। आइए देखिए, यहाँ पर हमको दिया हुआ था क्वेश्चन में नंबर ऑफ मशीन्स और हमको दिया हुआ था क्वेश्चन में नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड। तो ये मेरा हो गया था, जब 42 मशीन्स था उस टाइम पे हमको लग रहा था 63 डेज, जब मेरे पास 54 डेज में हमको वो काम को खत्म करना है तो हमको कितना मशीन्स का जरूरत पड़ेगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो ये मेरा हो जाएगा, सो विथ इनवर्स प्रोपोर्शन प्रॉपर्टी 42/m इज इक्वल टू 54/63। तो यहाँ से m का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 49। देयरफोर 49 मशीन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या बोलता है, ये है क्वेश्चन 9। ये कहता है ए कार टेक्स 2 आवर्स टू रीच ए डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जब वो कार ट्रेवल कर रहा है तो उसको अपना डेस्टिनेशन में जाने के लिए लग रहा है 2 आवर्स। लेकिन जब कार का स्पीड बढ़ जाएगा, यानी कि 60 की जगह पर जब ये 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये कार जाएगा तो उसको कितना टाइम लगेगा अपना डेस्टिनेशन में जाने के लिए। आइए देखिए, ये है मेरे पास टाइम टेकन बाई कार इन आवर्स और ये है मेरे पास स्पीड ऑफ द कार। जब कार 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा था तो उसको 2 आवर्स लग रहा था, लेकिन जब ये कार 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाएगा तो उसको कितना टाइम लगेगा। देखिए, सो विद इनवर्स प्रोपोर्शन प्रॉपर्टी ये मेरा हो गया है 2/t इज इक्वल टू 80/60। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि t का जो वैल्यू है वो मेरा हो जाता है 3/2, यानी कि 1.5 आवर्स। जब कार 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाएगा तो उसको टाइम लगेगा 1.5 आवर्स अपना जो डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंचने के लिए। ओके, इसलिए यहाँ पर कहता है सो द कार विल टेक 1.5 आवर्स टू रीच इट्स डेस्टिनेशन व्हेन इट ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10। देखिए क्या बोलता है, ये है क्वेश्चन 10। ये कहता है 2 persons could fit new windows in a house in 3 days। बोल रहा है कि एक हाउस है जहां पर न्यू विंडोज को फिट करना है, 2 persons मिलके ये काम कर सकता है 3 days। हमसे पूछ रहा है वन ऑफ द persons fell ill बिफोर द वर्क started, हाउ लॉन्ग would द जॉब टेक नाउ। 2 persons मिलके 3 days में काम कर सकता है, 1 person बीमार पड़ गया है यानी कि fell ill, तो जो वर्क है वो कितने दिन में खत्म होगा। आइए देखिए,
क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था नंबर ऑफ पर्संस और यहाँ पर हमको दिया हुआ था नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू फिक्स द विंडो, विंडो लगाने के लिए हमको कितना डेज लग रहा था। तो जब टू पर्संस था तो हमको 3 डेज लग रहा था विंडोज को लगाने के लिए, लेकिन जब ये 2 persons मेरा 1 person हो जाएगा, यानी कि 1 person फेल इल, हमको 1 में बोल रहा था कि 1 person मेरा फेल हो गया है, यानी कि 2 में से 1 person घट गया है, तो मेरे पास अब बच गया है 1 person। तो ये 1 person कितना डेज में वो विंडोज को लगा पाएगा, ठीक है, आइए देखिए। सो विथ इनवर्स प्रोपोर्शन प्रॉपर्टी 2/1 ये मेरा हो जाता है d1/3, तो d1 मेरा हो गया है 2 × 3 यानी कि 6 days। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि therefore with 1 person in work it will take 6 days to fit new windows। ओके, अब देखिए नंबर 2 क्या बोलता है, ये है नंबर 2, ये कहता है how many persons would be needed to fit the windows in 1 day, यानी कि अगर हमको सारा विंडो को अगर 1 day में फिट करना है तो हमको कितना पर्सन का जरूरत पड़ेगा, ये हमसे पूछ रहा है। ओके, आइए देखिए, ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर हमको बोल रहा था कि अगर हमको 1 day में, यानी कि नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड ये मेरा हो गया है अगर 1, तो हमको कितना पर्सन का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ था 2 persons के लिए हमको लग रहा था 3 days, तो यहाँ पर जब नंबर ऑफ पर्सन हमको निकालना है, जब मेरा नंबर ऑफ डेज 3 का जगह में 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, सो विद इनवर्स प्रोपोर्शन प्रॉपर्टी हम लोग बोल सकते हैं कि 2/P1 ये मेरा हो जाएगा 1/3, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, सो विद इनवर्स प्रोपोर्शन प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि 2/P1 = 1/3, तो ये मेरा बन जाएगा यहाँ से P1 = 2 × 3 यानी कि 6 persons। Therefore, to fit the new windows, नया विंडोज को फिट करने के लिए इन 1 day हमको यहाँ पर 6 persons का जरूरत है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्या बोलता है, ये है क्वेश्चन 11, ये कहता है ए स्कूल हैज 8 periods a day each of 45 minutes duration, how long would each period be, यानी कि each period कितना long होगा जब मेरा 8 periods के जगह पे school में 9 periods हो जाएगा, assuming the number of school hours to be same, ठीक है। अब देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे इसको, हमको यहाँ पर बोल रहा था कि number of periods in a day पहले था मेरे पास 8, तो duration of जो period था वो था 45 minutes का, यानी कि जो पीरियड्स था वो सब मेरा 45 मिनट्स करके था, ठीक है। फिर हमको बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ पीरियड्स है वो मेरा 8 के जगह पे अगर 9 हो जाए तो मेरा पर पीरियड जो है वो टाइमिंग क्या होगा, हमसे पूछ रहा है। सो विथ इनवर्स प्रोपोर्शन प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर जब इनवर्स प्रोपोर्शन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो हमको यहाँ मिलेगा 8/9 = d/45, तो डी मेरा हो जाएगा 40 मिनट्स, यानी कि जब मेरा पीरियड 8 से 9 हो जाएगा तो ईच पीरियड मेरा बन जाएगा यहाँ पर 40 मिनट्स का, ठीक है। देयरफॉर ईच पीरियड, यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि ईच पीरियड विल बी ऑफ 40 मिनट्स इफ देयर आर 9 पीरियड्स इन अ डे। ओके, थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन to get new video updates.